तो भैया बिल्लू, रात को नींद भी आ गई थी या नहीं? अबे हमको तो लग रहा है कि तुम रात भर सोए भी नहीं। वही अय्यर के छक्के, कोहली के चौके और वो मोहम्मद शमी की बोली, लगता यही सब तुम्हारे दिमाग में चलता रहा। आंखें तुम्हारी लाल रखी है भैया, दूर से नजर आ रहा है कि तुम पूरी रात हो गई सोए नहीं हो। अरे हम समझते हैं, सेमीफाइनल हारे उसका गम ही कुछ अलग होता है। वे अब तुम हमसे धोनी भाई मजे मत लो, ठीक है? वे यार तुमको बदला लेना था तो पहले ही बोल देते, हम थोड़ा और तरीके से हार जाते। अरे हराया नहीं, तुम लोगों ने तड़फा तड़फा के हमको हराया है, समझे? एक ये खड़े दांत फाड़ रहे हैं कोहली भैया, वैसे तो हमसे दोस्ती है, पर जैसे ही मैच हुआ भैया शतक ठोक दिया, 50वां शतक सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। ऊपर से तुम्हारा श्रेयस अय्यर अब सुरेश पता नहीं क्या खा के आता है, इतने लंबे लंबे छक्के मारता है, बर्बाद कर दिया भैया, बहुत मार मारी है कल। अरे यार बिल्लू, तो ये मार तुमको अकेले थोड़ी मारी है भाई, हमने तो सभी टीमों को एक भाव टोला है, वो चाहे अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान, कोई भी हो भैया, हमने तो सिर्फ इस वर्ष मारने ठोकने पीटने का ठेका लिया है। अब जो भी है, हमारी टीम फाइनल पहुंच गई है धोनी भाई, अब तुम टेंशन मत लो, अपनी टीम फाइनल जीतेगी पक्का। मैं वो तो कोहली सही है, मैं थोड़ा दिमाग से खेलना, नहीं तो जाके फाइनल में हार जाओ। अगर फाइनल में हार गए तो ये बिल्लुआ देखना नंगा नाच करेगा, ये चेहरे से फरे भी दिख रहा है मैं चुरी का, ये पूरा बदले की तलाश में बैठा है, इसीलिए घर नहीं गया है। तो बिल्लू अगर हमें टीम हारे तो नाचेगा ना, हमको लग रहा है। क्यों भैया नाचेंगे नहीं, हम तो दिल खोल के नाचेंगे भाई, जब तुमने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है तो हम तो नाचेंगे भी गाएंगे भी, हम इसीलिए घर नहीं गए हैं। अबे तो मौका तुमको कभी नहीं मिलेगा, ये कोहली का वादा है, जो तुम आश में बैठो जिस उम्मीद में कि इंडिया हारेगी, अबे कभी नहीं हारेगी समझे, तुम ऐसे ही आश लगाए बैठे रहो धोनी भाई, और तुम मजे इनसे लेते रहो।